हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक 1000 वोल्ट 1000 किलोवाट इंडक्शन हीटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेटल मेल्टिंग फर्नेस में यूज़ किया जाता है। इससे मेटल को मेल्ट किया जाता है। ये सब का इंडिकेटर है। ये टोटल को यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, जैसे हाई कंडक्टिविटी आएगा तो ये जल जाएगा, बंद हो जाएगा भट्टी। अच्छा, ये जल जाएगा तो हम लोग सोच रहे हैं कंडक्टिविटी कहीं बढ़ा, मतलब कि ज़्यादा कोई मेटल डाल दिया। ये कंट्रोल ऑन, यहाँ से जब ऑन होगा ये ऐसे तो ये बत्ती जलेगा। ये ब्रेकर ऑन, वहाँ जो ब्रेकर है वो जब इसमें पावर आएगा तो ये जलेगा। ओके, ये रेडी मतलब टोटल फंक्शन अगर आपका ओके है तो ये रेडी दिखाएगा, नहीं तो ये बंद। सही है, समझे कि नहीं। ये अर्थ लीकेज, जैसे भट्टी में कोई अर्थिंग माने जमीन से कोई चीज टच हो गया, जैसे बॉडी से क्वाइल को कुछ शॉर्ट दिखा रहा है तो ये अर्थ लीकेज देगा, भट्टी ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं होगा, हाँ। और बाकी तो ये सब है आपका फेलियर का है, ओवर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, हीटिंग ऑन, हीटिंग ऑन हो गया तो हीट ऑन मतलब चालू होगा, जैसे हम लोग चालू कर देंगे ऑन हो जाएगा भट्टी तो ये जलेगा। पीएलसी में ये सब नहीं चलता, ऑटोमेटिक सोचे ये सब भट्टी ऑटोमेटिक नहीं होगा। अच्छा, ये सब मैनुअल ही चलेगा। ये सब जितना भी है ना, ये सब लॉजिकल आईसी है। ये क्या चीज है वो वाला? ये रेजिस्टेंस का है। ओके ओके, हाई पावर रेजिस्टर होगा ये सब, रेजिस्टेंस है वो, कंडक्टर है ऑन ऑफ जो होता है उसी से पावर, वहीं से पूरा सर्किट जाता है, मेन फर्स्ट वही है। अच्छा, ये वाला, वो वाला। यहाँ से ऑन करेंगे ना तो वो ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद तब चालू होगा, मैंने नहीं तो बंद। पावर ओवर कटा तो बंद ट्रिप कर जाएगा वो। टू एन 5030। बाकी ये सब तो आपका पावर रेसिस्टर है, जितने भी है स्नबर वाला होगा ये सब। देखिए थायरिस्टर है, ये सब जितना है ना, हाँ ये सब थायरिस्टर है, ये सब थायरिस्टर्स हैं। वही मैंने पावर को मजबूती करता है वो, हाँ ये स्विचिंग का काम करता है आपका, जैसे पावर को क्या है कि आपका स्विचिंग करवा रहा है ताकि इंडक्शन जो है वो ऑपरेट हो सके। ये सारा थायरिस्टर, ये सब थायरिस्टर। इंडक्शन भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चीज है ना। और वो शायद कैपेसिटर है ना, वो कैपेसिटर है। सब जो है पानी जो आ रहा है ना इसमें, अगर पानी कोई डिस्टर्ब है तो ट्रिप कर जाएगा। ओके, पानी कोई डिस्टर्ब होगा तो ट्रिप होगा, कहीं भी डिस्टर्ब होगा भट्टी के अंदर भी कुछ, अगर पानी हीट हो गया, पानी गर्म हो रहा है तभी बंद हो जाएगा, पानी नहीं जाएगा तभी बंद हो जाएगा। सेंसिंग नहीं लेता होगा पानी का। हाँ, और ये तो आपका संट है ना, करंट का फ्लो मेजरमेंट के लिए ये करंट ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये जो पाइपलाइन है इसके अंदर कोई कंडक्टर है क्या? नहीं, ये पानी है। ओके, ये सब में पानी जाता है, ये पानी डिस्टिल वाटर इसको बोलते हैं, वो पानी जाता है इसमें। और ये सब कंडक्टर है, ये इसमें सप्लाई करंट जाता है, ये लाइन भी है पानी भी है दोनों है। ओके, लाइन को ठंडा भी रखेगा। हाँ, नहीं तो ये तो पानी निकल जाए 10 मिनट में गला के खत्म कर देगा इसको। ओके, और ये सब थायरिस्टर है तीन। हाँ, सब में पानी सिस्टम है, टोटल लाइन पानी में चलता है, नहीं पानी जाने से एक भी फंक्शन काम नहीं करेगा।